मैं भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यकर्ता हूँ। मैं पिछले साल भर से पार्टी से जुड़ी हुई हूँ। तो पिछले 6 महीने तो मैं जिला सदस्य संयोजक रही। उसके बाद मुझे काशी प्रांत का अल्पसंख्यक मोर्चे का उपाध्यक्ष बना दिया गया। उसके बाद जब मैंने देखा कि जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनके साथ अनदेखी हो रही है, उनकी बातें नहीं सुनी जा रही है, तो मैंने आवाज़ उठाई। तो ये बातें कुछ लोगों को खटकने लगी। उसके बाद मुझे पद से निष्कासित कर दिया गया। उसके बाद भी मैं नहीं रुकी। उनको लगा था कि मैं रुक जाऊँगी, मैं नहीं रुकी। मेरी आवाज़ उठती गई। उसके बाद इन्होंने इतनी गंदी चाल चली। पहले अफवाह उड़ाई गई गलत गलत, तो मैं शांत थी। अब कुछ दिन पहले मेरी फ़ोटो को गलत तरीके से एडिट करके उसे वायरल किया गया। जब मुझे पता लगा तो वो फ़ोटो कुछ साल पुरानी है, जो मेरे पास अभी खुद भी अवेलेबल नहीं है। और उस फ़ोटो को इस तरह से एडिट करके वायरल करना, जो पार्टी कहती है कि बेटी बचाओ, बेटी के लिए वो महिलाओं के सम्मान के लिए लड़ रही है, अगर उसी पार्टी के कार्यकर्ता अगर ऐसी हरकत करेंगे तो फिर तो शर्मनाक बात है। ये वायरल कहाँ किया इकरा? ये वास्तव में ये वायरल हुआ है भारतीय जनता पार्टी के ग्रुप में, जो ग्रुप है उसमें ये वायरल किया गया है। उसके बाद फिर अब अन्य प्लेटफॉर्म पे भी वायरल? हाँ, अन्य प्लेटफॉर्म में वायरल हुआ है। कुछ लोगों ने फेसबुक पे कुछ लोगों ने किया है। तो फिर जो लोग अपने आप को पार्टी का बाहुबली बताते हैं, ये उन्हीं की हरकत है। क्योंकि एडिट करना आज के टाइम में किसी कोई छोटा आदमी का इंसान काम नहीं है, ठीक है। और एक उसे एक मतलब उसको एडिट गंदा करना, उसको एकदम इस तरह से एडिट करना कि वो लगे ना कि एडिटेड है, तो वो एक बहुत बड़े कोई ऐसा है कि जो एकदम जानकार है, तो उसका ये काम है। जो मैंने मुगलसराय कोतवाली में तहरीर दी है, मुझे न्याय चाहिए। मुझे अगर हाँ मैं गई थी, उन्होंने कहा कि ठीक है, क्योंकि कल संडे था, तो उन्होंने बोला कि आज कल किसे कल आपकी कार्रवाई हो जाएगी और जांच हो रही है, कार्रवाई होगी। लेकिन अगर मुझे न्याय नहीं मिलता है तो ये चीज़ फिर कोर्ट जाएगी। मुझे न्याय चाहिए। अगर कोर्ट से नहीं, कोर्ट में तब तक मैं लड़ूंगी जब तक मुझे न्याय नहीं मिल जाता, चाहे कोई कितना ही बाहुबली हो। किसी की महिला की इज्जत के साथ ऐसा खिलवाड़ करना किसी को शोभा नहीं देता है। अगर आप और जब आप कहते हैं कि हम महिला के लिए हैं, महिला से, तो फिर आप फिर किस वक्त के कार्यकर्ता? तो फिर ये पार्टी को भी उनको उनको निकालना चाहिए। ये पार्टी के बड़े फोरम पे आपने इस बात? हाँ, मैंने रखा, बिल्कुल रखा। तो उस तरफ से क्या जवाब आया? कुछ उस तरफ से कोई वो नहीं है, कोई जवाब नहीं। उनका कहना है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ये नहीं। तो जब आप देखिए, वही लोग हैं जो फोरम में बैठे हैं, उन्हीं लोग का ये क्रियाकल्प है, तो वो लोग क्यों आपका साथ देंगे?